हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में समझेंगे। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। अब देखो, आज हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। देखो, जितने भी आपके यूकैरियोटिक डीएनए हैं, इनमें एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 10th 9th में जो क्लासेस थे उसमें डीएनए आरएनए में जो डिफरेंस था, उसमें एक पॉइंट आपने ये पढ़ा था कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है, आरएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। ठीक है, पढ़ा था। तो उसी तरह से अगर हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करें तो वहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आपका आता है मॉरिस विल्किंस 1960। इन्होंने डीएनए को डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में रखा तो इन्होंने ये देखा कि जो डीएनए का आप कह सकते हैं स्ट्रैंड है, डीएनए का जो आप कह सकते हैं श्रृंखला है, वो बीडेड स्ट्रिंग में स्ट्रेच हो जाती है। यानी कि बीडेड स्ट्रिंग का मतलब है माला के समान एक संरचना में। जैसे आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो एक थ्रेड में हम मोतियों को, पल्स जो हैं उनको हम एक एक करके प्रो दें, तो जिस तरह से धागे और मोती का एक पूरा बीडेड स्ट्रिंग बनता है, सेम कंडीशन में जो डीएनए का थ्रेड है या डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो उसी प्रकार से स्ट्रेच हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो ये बीडेड स्ट्रक्चर हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहता है। तो वो इस तरह से समझ लो, जैसे ये कंडीशन वन टू थ्री, इस तरह से ये पूरी एक चेन होती श्रृंखला, और इसमें जगह जगह पर इस तरह से बीट्स होते हैं। बीट्स इनको आप बोलते हैं मालाकार संरचना। तो मॉरिस विल्किंस जो थे, जब इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये देखा कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो बीडेड स्ट्रिंग में स्ट्रेच हो जाता है, और जितने भी बीट्स हैं वो स्ट्रेच होने के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है। आई बात समझ में? बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को एक आपके दूसरे वैज्ञानिक हैं एरा एंड ऑलेंस, इन्होंने 1974 में एक्स रेज का जो इफेक्ट था उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डीएनए को ऑब्जर्व किया तो जो मॉरिस विल्किंस ने बताया था वही उनको भी अपने ऑब्जर्वेशन में प्रूफ हुआ। तो कंफर्म हो गया कि डीएनए जो है वो कुछ बीट टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं, माला के नुमान या मोती के समान जो रचनाएं हैं, उनके साथ वो क्या होता है, बाइंडअप होता है। आया समझ में? फिर एक और साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी जब अपना ऑब्जर्वेशन दिया तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई
कि किस प्रकार से डीएनए का पैकेजिंग होता है। इनका नाम था रोजर थॉर्नबर्ग, रोजर थॉर्नबर्ग 1974। देखो तो इनका जो डिस्कवरी थी या इनकी जो खोज थी वो डीएनए की पैकेजिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन किया उस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने दो तीन चीज़ें जो बताई मेन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो तो सबसे पहली चीज, रोजर थॉर्नबर्ग ने ये बताया कि जो बीडेड पार्ट्स हैं, जो माला के समान या मोती के समान जो रचनाएं डीएनए में शो होती हैं, वो एक्चुअली में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और अगर हम हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए के लिए क्लासिफाइड करें तो ये हिस्टोन प्रोटीन पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो H2A, H2B, H3 और H4 एंड लास्ट में H1। 1, 2, 3, 4, 5 H2A, H2B, H3, H4, H1 ये पांच प्रकार के आपके होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो ये जो पांच प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन हैं, इनमें से जो बीट या मोती जो है या जो बीडेड पार्ट है, अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें एक आपका होता है कोर पार्टिकल जो सेंटर एक्सिस होता है, और उसी कोर पार्टिकल से जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो क्वाइल होता है, क्वाइल होता है। तो रोजर थॉर्नबर्ग ने ये बताया कि जो कोर है, कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हिस्टोन ऑप्टेमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो आपका बना होता है इन चार प्रोटीन से, H2A, H2B, H3, H4। अब ये सभी प्रोटीन पेयर में होते हैं, तो चार आपके हुए, अगर इसका पेयर हो जाएगा तो 4 × 2 = 8। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ स्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 ये आपके कंबाइंड रूप से कोर पार्टिकल बनाते हैं, समझ गए। और ये जो कोर पार्टिकल है, इस कोर पार्टिकल पर सराउंडिंग चारों तरफ डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो फंदे के रूप में क्वाइल होता है, समझ गए। रोजर थॉर्नबर्ग ने ये बताया कि जो ये पूरा आपका कोर पार्टिकल है, इसमें डीएनए के 200 बेस पेयर, 200 बेस के जोड़े। अब बेस का जोड़े से मतलब क्या है, आपको मालूम ही है बेस आपके चार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और बेस पेयर आपका क्या हो गया, जैसे एडेनिन थायमिन एक बेस पेयर हुआ, गुआनिन साइटोसिन दूसरा बेस पेयर हुआ, तो इस तरह से कितने बेस पेयर यूज होते हैं, 200। आया समझ में? अब देखो ये जो 200 बेस पेयर हैं, इनमें से 146 ये तो कोर पार्टिकल जो है, कोर पार्टिकल उसमें क्वाइल के रूप में पाए जाते हैं। अब रेस्ट ऑफ 54 ये आपके होते हैं लिंकर डीएनए। अब यहां पर लिंकर डीएनए का मतलब क्या है, देखो मैंने शुरू में आपसे कहा कि जो मॉरिस थे इन्होंने ये कहा कि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो स्ट्रेच हो गया बीटेड स्ट्रिंग में, और जितने भी बीट्स थे वो इक्वल डिस्टेंस पे थे, समझ गए। तो दो बीट्स के बीच में जो लिंकर प्रोटीन है वही आपका लिंकर डीएनए, समझ बात आई, क्लियर है। तो रोजर थॉर्नबर्ग का जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन में दो चीजें मेन
ठीक पता चली। नंबर एक, जो बीडेड स्ट्रिंग है वो हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। पांच प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन यूज होते हैं, जिनमें से चार प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो कोर पार्टिकल होते हैं, जिनको हिस्टोन ऑप्टमर कहते हैं, और जो एक बचा H1, ये दो बीडेड पार्ट के बीच में लिंक होता है, यानी कि लिंकर होता है, और इस पर जो DNA ठीक प्रेजेंट होता है वो लिंकर DNA कहलाता है। टोटल अगर हम पूरे पार्ट की बात करें, पूरे बीडेड पार्ट की बात करें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। अगर बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम इसको बोलें तो 1 बीट इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। समझ गए, क्लियर। अब अगर हम न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम में जो सराउंडिंग DNA है उसमें 200 बेस पेयर होते हैं, जिनमें से 146 कोर पार्टिकल को कवर करते हैं कॉइल के रूप में, और रेस्ट ऑफ 54 ये लिंकर DNA के रूप में यूज होते हैं। अब इसी चीज को अगर हम एक स्ट्रक्चर के रूप में देख लें तो देखो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। देखो आपका ये आपका हो गया 4 मॉलिक्यूल, H2A, H2B, H3 और H4। और मैंने आपको बताया ये पेयर में होते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल अपसाइड पे होंगे तो 4 मॉलिक्यूल नीचे की तरफ होंगे। तो ये आपका 8 मॉलिक्यूल का जो हिस्टोन प्रोटीन से बना बीडेड पार्ट हुआ, ये आपका होता है कोर, और चूंकि इसमें 8 मॉलिक्यूल हैं तो इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टमर भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो इस पर DNA का जो थ्रेड है वो क्वाइल के रूप में इस तरह से क्वाइल होगा, ये कंडीशन। और यहां पर ये जो पोर्शन है ये आपका हो जाएगा H1, ये आपका DNA का थ्रेड होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक रूप से देखें तो देखो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हो गया हिस्टोन ऑक्टमर, और इसी को हम लोग कोर पार्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है H1 ये आपका हो गया लिंकर प्रोटीन, और ये आपका हो गया DNA स्ट्रैंड। आसान है, यहां पर रोजर कॉर्नवेल ने इसका मेजरमेंट भी बताया। अगर हम केवल कोर पार्टिकल की बात करें तो देखो जो कोर पार्टिकल है इसकी जो मेजरमेंट है वो आपका होता है 10 nm नैनोमीटर, और जो लिंकर है इसका होता है 1 nm। तो टोटल अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये आपका होता है 11 nm। तो ये जो पूरा पोर्शन है
ये आपका कहलाएगा क्या? न्यूक्लियोसोम। आया समझ में? तो अगर हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करते हैं तो मॉरिस विल्किंस, एडा ऑलिंस और रोजर कॉर्नवर, इन वैज्ञानिकों ने अपने ऑब्जर्वेशंस, अपनी डिस्कवरी के द्वारा हमको ये बताया कि डीएनए एक्चुअली में पैकेज, इसका जो पैकेजिंग है या इसका जो आप कह सकते हैं जगह जगह पर जो आप कह सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंडिंग है वो किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी हम लोगों को इस प्रकार से न्यूक्लियोसोम के द्वारा मिलती है, जिसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपको मिलता है वो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, न्यूक्लियोसोम का डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। नंबर टू, हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स कितने होते हैं, उनके नाम, ठीक है। और नंबर थर्ड, पूरे के पूरे न्यूक्लियोसोम पर शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी लिखने को भी आपको मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी स्टोन प्रोटीन से लिंकर, है ना, लिंकर डीएनए, लिंकर प्रोटीन, मेजरमेंट, इससे रिलेटेड, साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आया समझ में? तो ये जो पॉइंट है ये आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहलाता है, जिसको आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपके लिए एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।